एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह आया हूँ छत, नीचे में लाइट नहीं है, रोशनी बहुत कम है, इसलिए आके छत पे आके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आज सुबह सुबह ही उठना पड़ा, सुबह 9 बजे। रीज़न है कि घर में काम लगा हुआ है। पापा बोले कि पेंट ख़त्म हो गया, जगाएँ फिर पेंट लाएँ, और अभी काम चल रहा है। हालाँकि सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है रमज़ान में, क्योंकि 4 बजे उठ के फिर सहरी करके फिर सोना, मेरा बस चले तो 10-11 बजे तक सोए रहूं, लेकिन घर का काम के लिए सुबह उठना ही पड़ता है। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है, सब आप लोग को दिखाएंगे। और अभी घर का काम हो रहा है, पेंटिंग पुट्टी वगैरह सारा कुछ हो चुका है, और अभी पेंट हो रहा है। और ब्राउन और ग्रीन दो दे रहे हैं, जैसे ये बैक है ये रहेगा ब्राउन, और तीन एरिया में रहेगा ग्रीन, और नीचे में भी और ऊपर का भी, दोनों में सेम कलर सेम डिज़ाइन रहेगा। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अभी ये मेरा हॉल कंप्लीट नहीं हुआ है, पुट्टी उट्टी करना बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये मेरा हॉल। गाइस मेरा रूम देख सकते हैं, पहले वाइट था और इसको कलर किए हैं, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। और सॉरी मेरा कैमरा क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा ये डिज़ाइन अभी दिया है, काफ़ी मेहनत से बनाया उन लोग। ये मेरा रूम, बगल वाला रूम है, देख सकते हैं। तो गाइज आप लोग हमेशा ब्लॉग में देखे होंगे, ये रूम का हमेशा वाइट कलर का था पहले, तो इसलिए रमज़ान के टाइम में पापा बोले कि नहीं, ईद का मौके है और रिलेशन रिलेटिव हमेशा यहाँ आते रहते हैं, इसलिए बोले कि नहीं कुछ हटके कलर दिया जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीन करवाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ब्राउन कलर है, उसमें सिल्वर का ये डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो, फाइनली बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा ये हमारा रूम। और उसके बाद यहाँ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद चलिए आप लोग को ऊपर वाला भी रूम दिखाते हैं, वहाँ भी पेंट हो चुका है और इसी तरह सिल्वर वहाँ भी ऊपर में लगाया जा रहा है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और लगा देते हैं, चलिए आप लोग को खाते हैं छत में, वहाँ भी काम चल रहा है। तो गाइस देखिए ये ऊपर वाला रूम है और ये कंप्लीट हो गई है आज, जैसा कि आप लोगों को बताया था। नीचे में भी सेम यही डिज़ाइन है, ऊपर में भी यही सेम कलर सेम डिज़ाइन। अब आज तो कंप्लीट है, कल सारा सामान शिफ्ट करेंगे। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है, शाम के 5 बज चुकी है, चले अब कुर्ता पजामा पहनने के लिए, क्योंकि 5:58 में ऐसा अजान है। चलिए फिर रेडी होते हैं फिर। तो गाइस फाइनली मैं नहा धोवा के रेडी हूँ और ब्लैक कलर का कुर्ता पहन लिया हूँ, और ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, चाहे पैंट हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, बहुत पसंद है कुर्ता हो, तो ब्लैक कलर पहन लिया हूँ। और चलिए अब नीचे की ओर और देखते हैं क्या तैयारी हो रही है, क्या बन रहा है, क्या नहीं। रोज़ा नहीं रखी हो? क्यों नहीं रखी हो? घर में सब कोई रोज़ा रखे है, तुम भी रखती ना? अच्छा थोड़ा सा रख लेती है, थोड़ा सा रोज़ा रख लेती। तो गाइस आ गए हम नीचे, और ये मेरा देख सकते हैं, मेरे टकलू बाबू को टकला हो गया आज, बहुत बदमाशी करता था, कुछ भी होता था पहले बाल ही अपना नोचता था, इसलिए लास्ट में टकला कर दिए इसको, टकला कर दिए। टकला बाबू मेरा टकला, चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट खिला रहा आप लोगों को।
गाइस आ गया हूँ नीचे और तैयारी हो रही है और मेरा मुराद को देख सकते हैं। आज टकला करा दिए अपने मुराद को और तैयारी हो रही है। इधर चना बन रहा है और गाइस अभी रखा हुआ है, ये प्याज का पकौड़ी बनेगा। और ये मुराद, मेरा मुराद पूरा एक्टिव है, पूरा मस्त खेल रहा है। इधर टाइम हो चुका है इसलिए सलाद का तैयारी कर रहा हूँ। खीरा गाजर मूली कट कर रहा हूँ। खीरा गाजर मूली का हम लोग सलाद बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो गाइज अभी जस्ट रोज़ा खोल के बैठा हूँ रूम में और ब्लॉग नहीं ले पाया। रीज़न है कि मेरे पापा का फ्रेंड भी आए थे साथ में, हम लोग रोज़ा खोले। प्लस आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इधर अजान हो रही थी, इधर तैयारी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई इसलिए ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाए। जल्दी जल्दी फिर बैठे वैसे में ही, फिर बात यह कि फिर अफ्तारी खोल के अभी जस्ट रोज़ा खोल के बैठा हूँ रूम में अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो 6:30 बज रही है, उसके बाद फिर जाएंगे तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए फिर। और मेरा बेटा एनिमल मूवी का लॉर्ड बॉबी वाला डांस कर रहा है जो कि काफ़ी फेमस है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से सीख गया है, और ये भी पूरा डांस कर रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और मैं भी पापा के रूम में बैठा हूँ। मैं बेटा बेटी जब मुझे मौका मिलता है यहीं आके बैठता हूँ, सोफा में लेटता हूँ। और बेटा मेरा जा रहा फिर किचन, और जैसे कि आप लोगों को बताया मैं पापा के रूम में हूँ, सोफा में लेटा हुआ हूँ। जब भी मौका मिलता आके बैठता हूँ अपने मम्मी पापा के पास और आके बैठा हूँ, लेटा हूँ। क्योंकि मैं और पापा गए थे तरावी पढ़ने के लिए, अभी तरावी पढ़ के जस्ट आया हूँ, थोड़ा सा थकावट हो रही थी। पापा बैठे हुए हैं और मैं लेटा हूँ, और आने के बाद पता चल रहा है कि घर में चिकन पकौड़ा बना रही है आपकी भाभी, मुझे काफ़ी पसंद है। और चिकन पकौड़ा रोटी खाएंगे, अच्छा लगता है मुझे। और फ्राई हो रहा है अभी, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर लेके जाएंगे रूम और खाना खाएंगे। मैं, मेरे पापा चिकन पकौड़ा रोटी खाना खा रहे हैं और मेरे पापा विद चावल भी खा रहा है। चावल रात में पसंद नहीं, मैं रोटी तो खा रहा गाइस हूँ। फाइनली मैं खाना खा लिया हूँ, जा रहा हूँ अपने रूम की ओर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।